आस्था और विश्वास की कड़ी में हम आपको एक बलिदान की दास्तान सुनाने जा रहे हैं। सरकार इस दास्तान के नायक को भले ही भूल चुकी हो, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासियों के दिलों और दिमाग में उनका नायक आज भी जीवित है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी हकीकत जो अब एक अफसाना है, एक ऐसी दास्तान जो खत्म होकर भी खत्म ना हुई, दास्तान जो सालों पुरानी है लेकिन उस पर यकीन अब भी कायम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टंट्या मामा अर्थात टंट्या भील की। इंदौर के पातालपानी के पास कालाकुंड रेलवे स्टेशन पर एक मंदिर है जहाँ से गुजरती हुई हर ट्रेन कुछ पल के लिए थम जाती है। कहा जाता है कि ट्रेन यहाँ से इंडिया के रोबिनहुड टंट्या मामा भील को सलामी देकर ही आगे गुजरती है। ये मंदिर कभी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले आजादी के जननायक और इंडिया के रोबिनहुड टंट्या भील का है। वही टंट्या भील जिसे अंग्रेजों ने फांसी देने के बाद उनका शव पातालपानी के जंगलों में कालाकुंड रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया था। लोगों का मानना है कि टंट्या मामा का शरीर तो खत्म हो गया लेकिन उनकी आत्मा अमर हो गई। कौन है टंट्या भील? टंट्या भील 1857 की क्रांति के एक खूंखार लड़ाके थे जिन्होंने क्रांति के समय मध्य प्रदेश की धरती को अपने खून से सींचा था। अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटने के कारण वह इंडिया का रोबिनहुड बन गया। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रोबिनहुड इंग्लैंड का एक शातिर तलवारबाज और तीरंदाज था जो अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटता था। इतिहासकारों की माने तो खंडवा जिले की पंधना तहसील में बड़दा गाँव में सन 1842 के करीब भाव सिंह के यहाँ टंट्या भील का जन्म हुआ। टंट्या ने धनुर्विद्या में दक्षता हासिल करने के साथ ही लाठी चलाने और गोफन कला में भी महारत हासिल कर ली थी। युवा अवस्था में ही अंग्रेजों के सहयोगी साहूकारों की प्रताड़ना से तंग आकर उसने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और जंगल में रहने चला गया। माना तो यह भी जाता है कि कई बार टंट्या भील पुलिस के हत्थे चढ़े लेकिन हर बार बच गए। इसका कारण टंट्या मामा के तिलिस्म को माना जाता है। लोगों का मानना है कि गरीबों के रहनुमा टंट्या भील के पास कई रहस्यमय शक्तियां थी। टंट्या का प्रभाव मध्य प्रांत में आज के बड़वानी धार खरगोन खंडवा सीपी क्षेत्र खानदेश होशंगाबाद बैतूल महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा मालवा के पठारी क्षेत्र तक फैल गया था। टंट्या ने अकाल से पीड़ित लोगों को सरकारी रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा अनाज लूटकर बंटवा दिया। कहते हैं उस समय टंट्या मामा के रहते कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, यह विश्वास भीलों में पैदा हो गया था। इंडियन रोबिनहुड के नाम से विख्यात टंट्या भील ने अंग्रेजों के शासनकाल में गोरे सैनिकों की नाक में दम कर दिया था। कहते हैं कि टंट्या मामा रोबिनहुड की तरह ही अंग्रेजों को लूटते और लूट का माल गरीब आदिवासियों में बांट देते थे। अंग्रेज टंट्या भील से इस कदर परेशान थे कि उन्होंने उन्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित कर दिया था। टंट्या एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहा, मालदारों से माल लूटकर वह गरीबों में बांटने लगा, लोगों के सुख दुख में सहयोगी बनने लगा। इसके अलावा गरीब कन्याओं की शादी कराना, निर्धन व असहाय लोगों की मदद करने से टंट्या मामा सबका प्रिय बन गया जिससे उसकी पूजा होने लगी। टंट्या भील का शरीर तो खत्म हो गया लेकिन उनकी आत्मा अमर हो गई। इस शहादत के बाद से यहाँ लगातार रेल हादसे होने लगे। गोरों के साथ साथ आम लोग भी इन हादसों का शिकार होने लगे। लगातार होने वाले इन हादसों के मद्देनजर आम रहवासियों ने यहाँ टंट्या मामा का मंदिर बनवाया। तब से लेकर आज तक मंदिर के सामने हर रेल रुकती है, मामा को सलाम करती है और सही सलामत अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। ऐसी भी कहानियां है कि सलामी देना भूलने पर कई बार तो ट्रेन यहां से आगे ही नहीं बढ़ सकी, इसलिए यहां भारतीय रेलवे ने खुद एक अघोषित नियम बना लिया कि यहां रेल ड्राइवर कुछ देर ट्रेन को रोके और सलामी के रूप में हॉर्न बजाकर ही गाड़ी आगे बढ़ाए। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाला टंट्या मामा गरीबों की मदद करने के कारण बड़ा लोकप्रिय था। इनकी वानगी तब देखने को मिली जब 11 अगस्त 1889 को उन्हें गिरफ्तार करके
अदालत में पेश करने के लिए जबलपुर ले जाया गया। इस दौरान टंट्या की एक झलक पाने के लिए जगह जगह जन सैलाब उमड़ पड़ा। दिलन से बोला।